गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं हूं राम प्रकाश गौतम और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में आई फाइलिंग के बारे में और वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के बारे में इसकी तारीख बदल गई है देखिए जब मैं बात कर रहा हूं फाइनेंशियल ईयर 23-24 की तो फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी थ्री का मतलब क्या होता है फाइनेंशियल ईयर 23-24 का मतलब होता है फर्स्ट अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 तक का जो पीरियड है इसको फाइनेंशियल ईयर 23-24 कहा जाएगा क्लियर अब यहां पे आपको एक चीज बड़ा कंसेप्ट क्लियरली समझना है कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी फर्स्ट अप्रैल 2023 से 31 मार्च फोर तक आपने जो अर्निंग किया है जो इनकम हुआ है उसका टैक्स आपको देना है और इसमें तारीख बदल गई क्या नई तारीख है इसका डिस्कशन हम लोग करते हैं। सबसे पहले देखिए अभी तक का जो था अभी तक का जो डेट था अपना इनकम टैक्स का वो क्या था ये समझिए अभी तक का जो था आप ओरिजिनल आईटीआर जो फाइल करते थे एज पर अंडर सेक्शन 139 ये ये जो आप आप करते थे, यहां पे आपका ड्यू डेट मिलता था 31st अब आप एक चीज देखिए, मैंने ड्यू डेट, OTR और NTR लिखा है, ये क्या है? क्या का मतलब हो गया Old Tax Regime, और NTR का मतलब हो गया न्यू टैक्स रिचिंग अगर आप ओरिजिनल आई टी आर फाइल करते हैं, तो दोनों केस में आपको इकतीस जुलाई दो हजार चौबीस मिलने वाला है ठीक है थर्टी फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी तो उसके केस में आपको दोनों जगह मिलता था थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर और रिवाइज रिटर्न फाइल करने का डेट था थर्टी फर्स्ट दिसंबर ट्वेंटी फोर थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू ट्वेंटी फोर बट गवर्नमेंट ने जो एक चेंज किया है वो नया चेंज किया, किया गया है ये देख लीजिए यहाँ पे क्या हुआ है कि कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यहां आपको अब ध्यान देखना है ये था कि अभी तक अगर ये रिटर्न का डेट होता प्रीवियस रिटर्न तो अभी हम लोग इस तरह से फाइल करते लेकिन फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक का जो आई फाइल करना है उसका ड्यू डेट किस तरह से ये देखिए ओरिजिनल रिटर्न 31 जुलाई दोनों केस में ओल्ड टैक्स रिजीम में भी और न्यू टैक्स रिजीम में भी दोनों केस में आपको 31 जुलाई ही रहा दोनों केस में और अभी मैं बात कर रहा हूं जिनका बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं होता है यानी कि नॉर्मली मान के चलिए सैलरी वाले लोगों का बिलेटेड आई टी आर जो सेक्शन में फाइल किया जाता था वो ओल्ड टैक्स रिजीम में अब नहीं है और न्यू टैक्स रिजीम में 31 दिसंबर रहेगा रिवाइज आई करने का डेट आपको 31 दिसंबर थर्टी दिसंबर अभी भी है अब यहाँ एक चीज जो दोस्त आपको समझना है कि ये जो आपका है पिलेटेड आई अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं तो आप फाइल नहीं कर सकते हैं यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम वाले जो लोग हैं उनको रिटर्न हरेक हाल में 31 जुलाई 2024 तक ही फाइल करना है क्लियर यानी कि 31 जुलाई 2024 तक आपको आई फाइल कर देना है आपके लिए कोई बिलेटेड आई का डेट नहीं है। बिलेटेड आर में क्या होता था कि कुछ आपको पेनल्टी लगती थी कुछ इंटरेस्ट लगता था और आप आई फाइल कर लेते थे जैसे कि अगर आपका नॉन टैक्सेबल होता था तो आप फ्री में कर लेते थे पांच लाख रुपए तक था हजार रुपया आपको लगता था पांच लाख से ऊपर होता था इनकम तो आपको पांच हजार रुपया लगता था इस तरह से आपको करना पड़ता था लेकिन यहाँ पे जो आपका अब है वो फाइनेंशियल ईयर तेईस चौबीस यानी कि असेसमेंट ईयर चौबीस पच्चीस में इकतीस जुलाई दो हजार चौबीस आपका लास्ट डेट होगा ओल्ड टैक्स रिजीम में न्यू टैक्स रिजीम वाले को बेनिफिट उसी तरह है पिछले के तरह जैसे पीछे था उसी तरह से अभी भी रहेगा दोनों सेम रहा न्यू टैक्स रिजीम में लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में अब ये डेट खत्म कर दिया गया ये डेट अब खत्म हो गया ठीक है ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में मैं पीछे भी बताया था अभी भी मैं एक वीडियो आपको दे दूंगा बना करके न्यू टैक्स रिजीम में जहां सात लाख रुपए तक एग्जम्पन किया गया है वहीं पे बहुत सारे जो डिडक्शन्स थे वो जैसे कि एच हो गया या हाउस लोन का इंटरेस्ट है ये सब खत्म कर दिया गया जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में ये सारे बेनिफिट्स आपको दिए गए आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो लोग ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे अगर जिनका कम पड़ रहा है टैक्स ओल्ड रिजीम में और न्यू टैक्स रिजीम में ज्यादा पड़ रहा है वो लोग हरेक हाल में 31 जुलाई 2024 तक अपना आई फाइल कर लीजिएगा अब एक बार मैं डेट आपको दे देता हूँ कि कब किसका आई फाइल होना है देखिए इंडिविजुअल अगर कोई है एच यू एफ जिनका बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं होता है उनके लिए डेट 31 जुलाई 2024 है ठीक है बिजनेस और प्रोफेशन के लिए जिनका ऑडिट होता है उनके लिए 31 अक्टूबर 2024 है बिजनेस रिक्वायर ट्रांसफर प्राइसिंग वाले केस में या इंटरनेशनल वाले केस में 30 नवंबर 2024 है रिवाइज रिटर्न भरने का डेट 31 दिसंबर 2024 है और बिलेटेड रिटर्न भरने का 31 दिसंबर 2024 है लेकिन ये बिलेटेड रिटर्न किसके लिए भैया बिलेटेड रिटर्न है न्यू टैक्स रिजीम वालों को जिनका ओल्ड टैक्स रिजीम है उनके लिए ये सिस्टम नहीं रहेगा तो जिनका न्यू टैक्स रिजीम में जो भर रहे हैं वो अब यहाँ पे बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं लेकिन अगर कोई ओल्ड टैक्स रिजीम लेते हैं तो उनके लिए ये खत्म अब हो चुका है ओल्ड टैक्स रिजीम के केस में ये खत्म हो चुका है ये डेट अब आपके लिए नहीं रहा अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब आप ओपन करिएगा इनकम टैक्स का पोर्टल तो वहां पे आपको ऑटोमेटिक न्यू टैक्स रिजीम दिखाई देगा वहां पे आपको ऑप्ट करना हो पड़ेगा ओल्ड टैक्स रिजीम में अब यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ये ध्यान रखिए कि डेट मिस मत करिएगा अब आपका ओल्ड टैक्स रिजीम में बार बार कर रहा हूं ओल्ड टैक्स रिजीम का डेट थर्टी जुलाई 2024 रहेगा क्लियर और अभी जो ओल्ड टैक्स रिजीम में जाने का जो फॉर्म 10I E है वो अभी नहीं आया है वो आएगा पोर्टल पे अवेलेबल होगा तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा तो यहाँ फिर से मैं कहूंगा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट डेट क्या है सिर्फ और, सिर्फ 31st जुलाई 2024 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23 24 के लिए किस कैटेगरी में ओल्ड टैक्स रिजाइम वाले में ओल्ड टैक्स रिजाइम में जो लोग जाइएगा वो 31 जुलाई तक अपना रिटर्न फाइल कर लीजिए और मुझे जहाँ तक लगता है कि अप्रैल से हालांकि जब तक फॉर्म 16 नहीं आए और एनुअल इनकम स्टेटमेंट अपडेट नहीं हो तब तक आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आईटीआर फाइल मत करिएगा क्या हुआ पिछले साल भी कई लोगों ने आई तो अवेलेबल हो गया पोर्टल पे लोगों ने आई फाइल भी कर दिया बट वहां पे एक एक ये इशू आ गई कि एनुअल इनकम स्टेटमेंट जो है वो अपडेट होने में लेट हुआ क्योंकि जब तक आई जब तक जो कंपनियों के, के आपके टीडीएस कटे हैं किसी का बैंक में इंटरेस्ट पे टी कटा है वो जब तक अपडेट नहीं होगा तो फिर उन लोगों को नोटिस आ गई थी तो यहाँ पे थोड़ा सा अवेयर रहिएगा जो ही आप लोगों को फॉर्म 16 मिल जाए अपडेट हो जाए एनुअल इनकम स्टेटमेंट फॉर्म 26 एस ये सारे रिकंसाइल करके आप अपना आईटीआर फाइल कर लीजिएगा ध्यान रखिएगा जो स्टूडेंट्स हैं उनको बिल्कुल फ्री में सिखाऊंगा कुछ भी पूछना हो 8448610923 पे व्हाट्सएप कर देना ठीक है बाकी लोग नहीं करिएगा प्रोफेशनल्स जो आईटीआर भरते हैं और क्वेश्चन नॉर्मली आप डिस्कशन कर सकते हैं बट सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा स्टूडेंट्स के लिए सीखने वालों के लिए हमेशा खड़ा है अवेलेबल है तो इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पहले से और अपने कोलिग्स को अपने रिलेटिव को अपने दोस्त यार को ये वीडियो शेयर करके उन्हें बता दीजिए कि आई टी आर का लास्ट डेट अगर वो ओल्ड टेक्स जिम में है थर्टी फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर है फॉर द फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर यानी कि एसेसमेंट ईयर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव थैंक यू बाय बाय